आशीष हम सबको प्राप्त हो। एक बार जोरदार तालियों के साथ करतल ध्वनि के साथ आइए पुनः अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का, उनके कृतित्व, उनके व्यक्तित्व और उनके सोच के लिए नमन करते हुए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, एक बार मेरे साथ जोर से और प्रेम से बोलिए, आज जनजाति समाज, आदिवासी भाई और बहन इस नेहरू स्टेडियम में एकत्रित हैं। मेरे साथ उद्घोष कीजिए, भारत माता की, भारत माता की। क्रांति सूर्य जननायक टंट्या भील की, जनजाति शहीदों की और कार्यक्रम में आए बहनों भाइयों की। आज इस अद्भुत कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल आदरणीय मंगूभाई पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी, जिले के प्रभारी मंत्री, प्रदेश के गृह मंत्री भाई नरोत्तम मिश्रा जी, वरिष्ठ नेता हमारे वन मंत्री भाई विजय शाह जी, बहन सुश्री मीना सिंह जी जिनका विभाग आपकी सेवा में लगा हुआ है, बहन उषा ठाकुर जी, भाई तुलसी सिलावट जी, आदरणीय सुमेर सिंह सोलंकी जी, गुमान सिंह डामोर जी, छतर सिंह दरबार जी, हमारे लोकप्रिय सांसदगण, हमारे विधायक साथीगण जो इस मंच पर विराजमान है। समय की सीमा है इसलिए मैं क्षमा मांगता हूं। भाई पार सिंह जी, बैल सिंह जी, मुकाम सिंह जी, नागर सिंह जी, बहन सुलोचना जी, रंजना जी, जयदीप जी, हमारे अध्यक्ष जनजाति मोर्चे के कल सिंह जी, दिलीप मकवाना जी, सुभाष पटेल जी, सावित्री ठाकुर जी, गोविंद सिंह भूरिया जी, मदन जी, आदरणीय अंतर सिंह आर्य जी, सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण और रंग बिरंगे परिवेश में आज अमर शहीद जन नायक क्रांति सूरी टंटा भील के बलिदान दिवस पर उपस्थित मेरे बहनों और भाइयों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के राम राम करता हूं। राम राम। मध्य प्रदेश की माटी मां, हो रहे रणबांकुरों को सम्मान। लाखों लोग नन गोली खाई, तम जाई नहीं आजादी पाई, ढे एक थो तब भी ना अभी भी, थारो वैभव अमर रहे माए, हूं रहूं या न राहू यो वीर जनजाति समाज रेणु चाई जे। आप सबको प्रणाम मेरे बहनों और भाइयों, क्रांति सूर्य टंटा मामा को प्रणाम, बड़ौदा हीर की उस पावन धरती जहां टंटा मामा ने जन्म लिया, मैं उस धरती को प्रणाम करता हूं। अभी हम पाताल पानी से आ रहे हैं, गवर्नर साहब के साथ गए थे, उस पवित्र माटी को प्रणाम करता हूं। अरे अंग्रेजों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि फांसी देने के बाद वीर टंट्या मामा के सब को सौंपते किसी को, डर गए और ये पाताल पानी के पास डाल के चले गए। टंट्या मामा धन्य हो, बारंबार प्रणाम तुम्हारे नाम से। इंग्लैंड तक में अंग्रेज डरते थे, इंग्लैंड तक में डरते थे, और पता है आपको, अंग्रेजों ने पकड़ने के लिए टंट्या पुलिस बनाई थी अलग, सामान्य पुलिस की हिम्मत नहीं थी, टंट्या पुलिस। वो टंट्या पुलिस भी टंट्या मामा को नहीं पकड़ पाई, एक घर के भेदी ने लंका ढाई, गद्दारी की। और जब टंट्या मामा अपनी मां बोली बहन के पास राखी बंधवाने गए, तब धोखे से गिरफ्तार किए गए। धन्य हो वीर टंटा भील, आपने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए, क्योंकि गुलाम बना रखा था भारत मां को उन्होंने, आपने हथियार उठाए गरीबों का खून चूसने वालों के खिलाफ, गरीबों को लूटने वालों के खिलाफ। मुझे कहते हुए गर्व है, ये वीर टंटा
इनके हाथ टूटे थे गरीबों का खून चूसने वालों के खिलाफ। अंग्रेजी खजाने को वो अपने कब्जे में लेते थे और जो अनाज और पैसा मिलता था कभी टंटा मामा ने अपने पास नहीं रखा, उसको बांट दिया गरीबों में बांट देते थे और इसलिए टंटा मामा कहलाए वीर टंटा भील। आज मुझे कहते हुए गर्व है पाताल पानी में उनका विशाल स्मारक बनाने का हमने फैसला किया है। आज एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं, उनको जवाब देना पड़ेगा। बरसों बरस तुमने राज किया, क्यों भुला दिया टंटिया मामा को? अरे कांग्रेस के जमाने में तो हमें पढ़ाया गया कि हिंदुस्तान को आजादी गांधी जी ने दिलवाई, पंडित नेहरू जी ने दिलवाई, इंदिरा जी ने दिलवाई। कांग्रेसी भूल गए टंटिया मामा को, कांग्रेसी भूल गए भीमा नायक को, कांग्रेसी भूल गए राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह को, कांग्रेसी भूल गए भगवान बिरसा मुंडा को, कांग्रेसी भूल गए बादल भोई को, कांग्रेसी भूल गए राजा विभूति सिंह को। अरे उनकी समाधि पे एक दिया भी नहीं, जिनके लहू से मिली थी आजादी वतन, जिनने सब कुछ दे दिया, खून की अंतिम बूंद दे दी, उन्हीं को भूल गए। लेकिन आज मुझे कहते हुए संतोष है, मैं माफी चाहता हूं, आप धूप में बैठे पसीना बहा रहे, ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही? अरे ज्यादा परेशान तो नहीं हो? अरे हमने कोशिश की थी, महू में कितना बड़ा टेंट लगाया था लेकिन पानी आ गया, प्रकृति परीक्षा ले रही है, लेकिन ये आदिवासी वीर घंटों से धूप में बैठे हैं। मैं तकलीफ के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन बैठे हैं टंटिया मामा के स्मरण के लिए। आज मुझे मन में संतोष है कि वर्षों से जो वीर उपेक्षित थे आज उनका सम्मान करने का मौका आया है। पूजे न गए शहीद, पूजे न गए शहीद, तो फिर ये मंत्र कौन अपनाएगा? तोपों के मुंह से कौन अकल छातियां अपनी अड़ाएगा? चूमेगा फंदे कौन, गोलियां कौन वक्ष पे खाएगा? अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा? पूजे न गए शहीद तो फिर ये बीज कहां से आएगा? धरती को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा? और ये टंटा मामा की और उनके सभी परिवार जनों की हर साल धूमधाम से ये बलिदान दिवस मनाया जाएगा, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, मैं केवल ये कहने नहीं आया कि बलिदान दिवस मनाया जाएगा। बीडी शर्मा ठीक कह रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी उनने सबसे पहले केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये तय किया कि आदिवासियों का अलग मंत्रालय होगा। कांग्रेसियों तुम तो 50 साल में अलग मंत्रालय भी आदिवासी भाई बहन को नहीं दे पाए। ये अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने तय किया कि वनाधिकार के पट्टे मेरे आदिवासी भाई बहनों के वर्षों से जमीन पे कब्जे थे, पट्टे नहीं थे। अटल जी ने तय किया वन भूमि के पट्टे दिए जाएंगे, पट्टा देने का अभियान उन्होंने प्रारंभ किया। और हमारे प्रधानमंत्री जी का आज आभार प्रकट करना चाहता हूं, उन्होंने तय किया आजादी 75 के इस वर्ष में कि जनजाति जननायकों की वीर गाथा को हिंदुस्तान के 130 करोड़ भारतीयों को पढ़ाया जाएगा, उन तक पहुंचाई जाएगी। और इसलिए उन्होंने आजादी में योगदान देने वाले ऐसे वीरों के लिए 15 नवंबर को भगवान बिरसा जी के जन्मदिवस पर जनजाति गौरव दिवस मनाने का फैसला किया। एक बार ताली बजा के स्वागत कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। मैं मोदी जी को इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जनजाति गौरव दिवस में भोपाल में पधारकर हमारी जिंदगी बदलने वाली योजनाओं को प्रारंभ किया। मैं उनको इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं, भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम उन्होंने बदल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया, जो आदिवासी रानी थी। मैं इसलिए भी धन्यवाद देता हूं,
या रानी दुर्गावती के अदम्य साहस को उन्होंने प्रणाम किया। और अमित शाह जी को इसलिए धन्यवाद कि उन्होंने 18 सितंबर के दिन जनजाति गौरव समारोह में पधारकर जनजाति भाई बहन और हमारे क्रांतिकारी शंकर शाह रघुनाथ शाह की प्रतिमा पर अनावरण करके आपके कल्याण की योजनाएं घोषित की। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो हमारी जिंदगी बचाने का अभियान चलाए हुए, फ्री में टीका अगर दिया कोरोना, सबने टीका लगवाया कि नहीं? अरे जिनने लगवाया हाथ उठाओ जरा। भैया जिनने नहीं लगवाया वो जरूर लगवा लेना, दादा हो दो ही हाथ जोड़ के कह रहा हूं, बहुत जरूरी है जिंदगी बचाने के लिए। अब ओमोक्रॉन पता नहीं कौन सा आ रहा है, अरे धन्यवाद मोदी जी, आपने टीका दे दिया, हमारी जिंदगी को सुरक्षा कवच दिया। फ्री अनाज देने के लिए धन्यवाद, प्रधानमंत्री आवास देने के लिए धन्यवाद, कितने धन्यवाद दूं। लेकिन आज एक बात मेरी ध्यान से सुनना, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? अरे जोर से बताओ सुन रहे हो? तो सुनो रे मेरे बहनों और भाइयों, आज का यह कार्यक्रम केवल कार्यक्रम नहीं है, आदिवासी जनजाति भाई और बहनों तुम्हारी जिंदगी बदलने का अभियान है, हम जिंदगी बदल के रहेंगे। आपकी जिंदगी में आनंद और प्रसन्नता के क्षण आए जरूरी है कि नहीं? अरे 21% से ज्यादा आबादी हमारी, मैं आज कहना चाहता हूं, वर्षों से बात चल रही थी पेशा एक्ट की, पेशा एक्ट लागू करो। आज इस कार्यक्रम में मैं आपके बीच वो शुभ समाचार दे रहा हूं, यदि सूचना पढ़ के सुना रहा हूं, सुनो आदिवासी बेटा बेटियों, प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की धरती पर आज से पैसा एक्ट लागू करने का शुभारंभ कर रहा है। इस पे तो जोर से जय हो जाए भारत माता की, टंटा मामा की। तो ये सुनो, मध्य प्रदेश शासन पंचायत ग्रामीण विकास मंत्रालय अधिसूचना, मेरे सांसद और विधायक मित्र तुम भी सुन लो, ये भारतीय जनता पार्टी और मामो है, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत के लिए विशिष्ट उपबंध के प्रावधानों के अनुक्रम में मध्य प्रदेश पंचायत राज और ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 क्रमांक 194 की धारा 29(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी राजस्व ग्रामों को धारा 129(ख) में परिभाषित ग्राम के रूप में अधिसूचित करती है। परंतु अब यह समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब है पेशा एक्ट के प्रावधानों के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने का फैसला कर लिया गया है। पैसा एक्ट की भावना हेतु के अनुरूप ग्राम सभा बनाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। हमें पानी पी पी के कोसने वालों, जब तुम्हारी सरकार आई थी तुमने पैसा एक्ट के लिए क्या किया रे, बता तो दो। और कुछ तो विधायक बन गए, बात करते रहे, आंदोलन चलाते रहे, तुमने क्या किया? शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज ये लागू कर रही है। ग्राम सभाएं सशक्त होगी, ग्राम सभाओं को अधिकार दिए जा रहे हैं ताकि इन गांव में रहने वाले हमारे भाई और बहनों की जिंदगी बदल सके। और केवल इतने ही नहीं मेरे बहनों और भाइयों, हमने पहले भी जो फैसले किए, एक पट्टा हमने 2,34,000 लोगों को दिए, आज फिर सुन लेना, कान खोल के सुन लेना, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? अरे जोर से बताओ सुन रहे हो कि नहीं? तो सुनो, ये पट्टा देना बंद नहीं होगा। कई भाई बहन अभी भी रह गए, कानून के चक्कर में उनको उलझा दिया गया, और इसलिए जिनके दिसंबर 2006 के पहले के कब्जे हैं, विजय शाह जी
उनको पट्टे मेरे मित्र दिए जाएंगे। मीना सिंह जी, विजय साह जी, फिर से अभियान शुरू कर दो, कोई आदिवासी भाई बहन वंचित नहीं रहना चाहिए। बोलिए टंटा मामा की। और एक बात और, जितने भी हमारे गरीब आदिवासी भाई और बहनों पर कई पुराने छोटे मोटे मामले चल रहे थे, पुलिस के पास चक्कर लगाएं, अदालतों में जाएं, और उनमें से अनेकों मामले बहुत छोटे छोटे थे। मैं आज ये घोषणा कर रहा हूं कि आदिवासी भाई बहनों पे जो छोटे मोटे मामले चल रहे हैं, उन सबको वापिस ले लिया जाएगा। बोलो ठीक है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, मामो तो बात कर रहा हूं, ठीक है कि नहीं? चक्कर खत्म यार, कहां चक्कर लगाएं अदालतों के, जितना कमाए उसी में चला जाए, ये नहीं होगा मेरे बहनों और भाइयों। एक योजना और, कई जगह समस्या नहीं है लेकिन कुछ जगह बड़ी बड़ी समस्या है, शहरों में उसके आसपास ऐसे गांव जहां आदिवासी हमारे जनजाति भाई बहन कम संख्या में रहते हैं, एक घर में कई परिवार रह रहे हैं। और कई बार कई परिवार क्यों रह रहे हैं, पता चला कि दादाजी के चार बेटे हो गए, उनकी बहुएं आ गई, उनकी बेटा बेटियों के शादी हो गए, उनके बेटा बेटियों की शादी हो गई, तो एक घर में 25-25, 30-30 रह रहे हैं। और इसलिए हमने तय किया है कि एक परिवार मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, अगर भाइयों के भी चार परिवार रह रहे तो चार परिवार माने जाएंगे। ऐसे परिवार जिनको रहने के लिए जगह नहीं है, उनको फिर से अलग जमीन पे पट्टा देके रहने की जमीन का मालिक बनाया जाएगा। बोलो बनाना चाहिए कि नहीं? अरे हमें गगनचुंबी अट्टालिकाएं नहीं चाहिए, लेकिन रहने के लिए जमीन का टुकड़ा तो चाहिए। और इसलिए मुख्यमंत्री आवासी भू अधिकार योजना लागू करने का हम फैसला कर रहे हैं। हम सरकारी जमीन पे पट्टे देंगे और गरीबों के लिए अगर जरूरत पड़ी तो खरीद के भी दे देंगे। बहनों और भाइयों, खरीद के भी दे देंगे। आपकी जिंदगी बदलने का अभियान है ये, गरीबों की जिंदगी बदलने का अभियान है ये, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया है। हमने तय किया। कई जगह मुझे बताया कि मामा राशन तो मिलता है लेकिन दूसरे गांव जाना पड़ता है, आने जाने में ही मजदूरी मारी जाती है। और इसलिए हमने तय किया कि नभासी आदिवासी विकास खंडों में अब ये अनाज लेने आदिवासी भाई बहन को दूसरे गांव नहीं जाना पड़ेगा, अब गाड़ी में रख के अनाज हर गांव ले जाया जाएगा और गांव गांव जाके राशन बांटा जाएगा। बोलो ठीक है कि नहीं? और गाड़ी भी सरकार की नहीं होगी, हमारा जनजाति बेटा बेटी आदिवासी बेटा बेटी गाड़ी फाइनेंस करवाएगा, लेकिन बैंक में जाते हैं तो फाइनेंस के पहले गारंटी मांगते हैं। गारंटी की व्यवस्था है क्या? तो गारंटी कौन देगा? अरे जोर से बताओ, कौन देगा? मामा देगा। और मार्जिन मनी की भी जरूरत पड़ती है, पहले पैसा जमा करने पड़ता है ना, 2 लाख लाओ 3 लाख लाओ, तो इतने पैसा है क्या? तो पैसा कौन जमा करवाएगा? चिंता काय को करते मामा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अब ये राशन आपके गांव योजना प्रारंभ हो गई है। और सुनो मेरे बेटा बेटियों, पढ़े लिखे बेटा बेटियों बेरोजगारी के कारण परेशान है, तो दो चीजें, नंबर एक, बैकलॉग के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, 1 लाख भर्ती की जाएगी। हम एक तरफ बैकलॉग के पदों की भर्ती भी करेंगे और दूसरी तरफ
सबको नौकरी नहीं मिल सकती, ये भी सच है। पढ़ाई का मतलब केवल नौकरी नहीं है। और ये सुनो रे मेरे बेटा बेटियों, एक योजना मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना हम प्रारंभ कर रहे हैं, इसमें 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, जिसकी गारंटी भी कौन लेगा? अरे कौन लेगा? और 3% ब्याज भी मामा भरवाएगा। आज मध्य प्रदेश की व्यवसायिक राजधानी में मैं अपने जनजाति बेटा बेटियों से भी कहता हूं, बाकी गरीब बेटा बेटियों से भी कहता हूं, नौकरी मांगने वाले नहीं, अरे तुम नौकरी देने वाले बनने की कोशिश करो। तुम्हारे साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी है। बिजनेस में आओ, व्यापार में आओ, उद्योग लगाओ, भरपूर मदद करेंगे बेटा बेटियों, बड़े नहीं तो छोटे छोटे लगाओ। हमको रोजगार के बाकी साधन भी ढूंढने पड़ेंगे, एक नहीं ऐसे अनेकों उपाय, चाहे प्रधानमंत्री की मुद्रा बैंक की योजना हो, लोन की योजना हो, पीएम स्ट्रीट वेंडर की योजना हो, सीएम स्ट्रीट वेंडर की योजना हो, या आजीविका मिशन के अंतर्गत मेरी गरीब बहनों और भाई बहनों को लोन देके उनकी आजीविका शुरू करना हो, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरे बच्चे बताओ, व्यापार में आओगे क्या? अरे जोर से बताओ, आओगे? उद्योग छोटे मोटे लगाओगे? हम क्यों नहीं लगा सकते, हम में क्षमता है, प्रतिभा है, थोड़ा साथ मिले तो मेरे ये बच्चे चमत्कार कर सकते हैं। उस दिशा में भी हम कदम उठा रहे हैं। गवर्नर साहब बैठे, मैं इनको प्रणाम करता हूं, इनने मिशन चालू किया सिकल सेल के खिलाफ गुजरात की पवित्र धरती पर। अब इस मध्य प्रदेश में भी सिकल सेल एनीमिया के खिलाफ अभियान शुरू किया जाएगा। मैं जानता हूं कितना कठिन इलाज होता है और जिंदगी कितनी तकलीफ भरी होती है, लेकिन उस इलाज के लिए भी पैसों की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। चिंता मत करना मेरे बहनों और भाइयों, हमने आदिवासी जनजाति क्षेत्रों में भी पूरे मध्य प्रदेश में हमारे बच्चे पढ़ें, इसलिए अच्छे स्कूल चाहिए। सीएम राइज स्कूल जनजाति क्षेत्रों में भी खोले जाएंगे, वहां अच्छे भवन, गणित के टीचर, विज्ञान के टीचर, अंग्रेजी के शिक्षक वो भी उपलब्ध कराए जाएंगे। और गांव-गांव में नहीं, 25-30 गांव के बीच में ये बहन मीना सिंह स्कूल खुलवाएगी, इनका विभाग स्कूल खुलवाएगा, ताकि जनजाति बेटा बेटी भी ढंग की पढ़ाई कर सकें। कन्या शिक्षा परिसर हो या बाकी हमारे एकलव्य विद्यालय हो, प्रधानमंत्री जी उसका जाल भी बिछा रहे हैं। और इसके साथ साथ मेरे बहनों और भाइयों, किसान भाई जो हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, नर्मदा जी का पानी आप देख रहे हैं, धार जिले में, खरगोन जिले में, खंडवा जिले में, बड़वानी जिले में, अलीराजपुर जिले में, झाबुआ जिले में, कौन लेके आया? अरे कांग्रेस लाई क्या नर्मदा जी का पानी? जोर से बताओ, लाई क्या? कौन ला रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला रही है। लेकिन आज एक बात और कहना चाहता हूं, जिन आदिवासी भाइयों के खेत में, गरीबों के खेत में पानी नर्मदा जी का नहीं पहुंच पाएगा, वहां कपिल धारा के कुएं खोद के उनकी जमीन को सिंचित बनाया जाएगा, ताकि ज्यादा फसल पैदा हो सके। और इसके साथ मेरे बेटा बेटियों, प्रधानमंत्री जी ने उनके साथ आशीर्वाद से मिलके हमने सभी जनजाति क्षेत्रों में तय किया है, आदिवासी क्षेत्रों में भी तय किया है कि पीने का पानी जो कई रोगों की जड़ होता है, वो पीने का पानी हैंडपंप से नहीं, क्योंकि फ्लोराइड मिक्स पानी पीते हैं तो बीमारियां हो जाती है। अब बजाय उसके पाइपलाइन बिछा के और आदिवासी के घर में भी टोटी वाला नल लगा के पानी दिया जाएगा, ताकि बहन नल खोले तो झरझर पानी आ जाए और बर्तन भर जाए। बोलो होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? इस अभियान को भी हम प्रारंभ कर रहे हैं। और जो वनोपज पैदा होती है, उस वनोपज को माटी के मोल नहीं बिकने दिया जाएगा। जैसे गेहूं खरीदते हैं
वैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे समर्थन मूल्य तय करके, चाहे महुआ हो चाहे तेंदू पत्ता हो, तेंदू पत्ते के तो पैसे मिलते ही हैं मजदूरी, महुआ जैसी चीज को भी, अचार की चिरौंजी, नीम की निमौली, करंज का बीज, चाहे शहद जैसी चीज हो, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदने का हम काम करेंगे। और इसके साथ साथ मेरे बेटा बेटियों, प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान लगातार बन रहे हैं, कोई गरीब और आदिवासी आने वाले 4 साल में बिना मकान के नहीं रहेगा, सबको पक्का मकान बनाने पैसा दिया जाएगा। और एक बात साथ में और, मकान बनाने की रेता पास के खदान से अब फ्री में दिलवाई जाएगी, दिलाना चाहिए कि नहीं, ताकि मकान सस्ता बन जाए। मेरे बहन और भाइयों, प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना मार्च तक, अन्य योजना मार्च तक बढ़ा दी है, मार्च तक 5 किलो निशुल्क राशन मिलता रहेगा, गेहूं या चावल। एक बार ताली बजा के प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कीजिए, उनका स्वागत कीजिए। स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत योजना, गांव गांव में कार्ड बन रहे हैं, जिनके नहीं बने बनवा देना बहनों भाइयों और विशेषकर नौजवानों। अरे मामा का साथ तो दो रे, तुम भी ये कार्ड मार्ड बनवाओ, बोलो बनवाओगे कि नहीं, हम सब मिलकर बनवाए ना। और इसमें फायदा यह होगा कि 5 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री में करवा के दिया जाएगा, ताकि कोई गरीब इलाज के लिए परेशान ना हो। आहार अनुदान योजना पहले से लागू है, हर गांव में 4 ग्रामीण इंजीनियर जो गांव में इंजीनियरिंग का काम करेंगे, वो भी आदिवासी गांव में आदिवासी बेटा या बेटी बनाए जाएंगे, ताकि गांव में उनको रोजगार मिल जाए। और एक बात और, टंटा मामा जो दूसरों का खून चूसते थे, उनको जो अनैतिकता से धन कमाया है वापिस लेके गरीबों में बांट देते थे। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, हमने कानून बना दिया है ब्याज पे पैसा देने वाले, वो लोग जिन्होंने बिना लाइसेंस के ब्याज पे पैसा दे दिया और ऊंचे ब्याज की दरों पे पैसा दे दिया, पता चला जितना दिया उससे ज्यादा ले लिया और उतने ही और बकाया है। बताओ ऐसा कर्जा वापस करना चाहिए क्या? अरे बोलो करना चाहिए क्या? तो सुनो, मध्य प्रदेश ने ये कानून बना दिया है, 15 अगस्त 2020 तक जिन सूदखोरों ने ज्यादा ब्याज की दरों पर बिना लाइसेंस के कर्जा दिया था, वो सारा कर्जा माफ किया जाता है, वो वापस नहीं देना पड़ेगा। बोलिए टंट्या मामा की। ये शोषण से मुक्ति का अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और मैं पूरे प्रदेश में कह रहा हूं, चाहे आदिवासी हो चाहे आदिवासी गरीब हो, सूदखोर सुन ले, अगर किसी गरीब को परेशान किया तो सीधे हथकड़ी लगा के जेलों में चक्की पिसवाई जाएगी। अनैतिक काम करने वालों को हम किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। मैं चाहता हूं कि शराब जैसी बुराई का नाश होना चाहिए, नशा मुक्ति होना चाहिए, लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, व्यवहारिक रूप से वो होती नहीं है। हमारी परंपराओं में कई कार्यक्रम ऐसे हैं जिसमें शराब की जरूरत पड़ती है। अब बेटा बेटी जन्म लेता है तो धार लगाने की परंपरा है कि नहीं? अरे है कि नहीं, बताओ। शादी विवाह हो तो उसमें भी परंपरा है, अंतिम संस्कार हो तो उसमें भी परंपरा है। अब आदिवासी को तो परेशान करते हैं और बाल मुकुंद दारू बना बना के बेचे, फैक्ट्रियां चलाए, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ता। और ये सुनो, जो नई आबकारी नीति आ रही है उसमें आदिवासी को
परंपरागत रूप से शराब बनाने का भी हक होगा, और हेरिटेज शराब के नाम से वो शराब शराब की दुकानों पर बेचने की अनुमति भी दी जाएगी। हम नशा मुक्ति अभियान भी चलाएंगे, लेकिन बड़े बड़े डिस्टिलरी चलाए और गरीब को पकड़ लो ये तो नहीं हो भैया, बंद होगी तो हो जाएगी, जब पीना छोड़ देंगे। हम कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक उसका भी अधिकार होगा। मेरे बहनों और भाइयों, हमारे जो बच्चे आईआईटी में मेडिकल कॉलेज में ला कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को मैं कह रहा हूं, पिछले कुछ सालों में जेई और नीट में जनजाति वर्ग के 740 बच्चों ने एडमिशन लिया है, और इसलिए उनकी ऐसे जितने बच्चे होंगे फीस भरवाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, ताकि हमारे प्रतिभाशाली बच्चे पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। आकांक्षा योजना के अंतर्गत करेंगे, अधोसंरचना विकास हो चाहे आजीविका के काम हो। एक बात और कि हमारे जो सेंटर है जबलपुर, भोपाल, इंदौर, वहां हमारे जनजाति बेटा बेटियों की काउंसलिंग करने के लिए अलग अलग केंद्र खोला जाएगा, वैसे विद्यार्थियों को मदद देने का केंद्र हम खोलेंगे, ताकि उनको और किसी चीज की दिक्कत ना हो। मेरे बहनों और भाइयों, मैंने प्रारंभ में आपको कहा था कि यह जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है, इस अभियान में आप सबका साथ चाहिए, बोले मिलेगा। अरे जोर से बताएं, मिलेगा। और इसलिए आइए हम हर बुराई को दूर करें, नशा मुक्ति अभियान भी चलाया जाएगा, कुपरंपरा जो कुरीति है उसको दूर करने का काम भी हाथ में लिया जाएगा, और उसके साथ साथ हमारे हक और हमारे अधिकार देके आदिवासी भाई बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान भी चलेगा, उसमें आप सबका साथ चाहिए। मैं एक बार फिर आपसे अपील करता हूं, आइए हम सब साथ मिलकर चलें, अपना भाग्य और भविष्य हम अपने हाथों से सरकार के साथ बनाएं। मैं आपके साथ हूं, बोलिए आप सब साथ चलेंगे तो मेरे साथ। दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की और टंटा मामा की जय बोलेंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और बोलिए भारत माता की, टंट्या मामा की, जन नायक क्रांति सूर्य टंट्या भील की, हर हर नर्मदे। और अब मैं सीधे बिना किसी भूमिका के, गवर्नर साहब अब आए हैं, आज है हमारे बीच में, और मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी गवर्नर हैं, ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए। ऐसे हमारे गवर्नर जो हमारी चिंता करते हैं, उनसे मैं प्रार्थना करता हूं कि वो आए और ये जनजाति आदिवासी भाई बहनों को संबोधित करें, हमारे गवर्नर श्रीमान मंगू भाई पटेल।